तो छब्बीस चलो मैं ना देखो कि झुग्गा पड़वा दो छब्बीस चलना महाराज बाबू जी कि ना समझ लो भी जेडे पिंड उन्होंने मसला है ये जेडे पिंड ना असी तो फिर डिगदे ढेंदे जे चार पांच साल कढ जांगे क्योंकि साडे ड्रामा च कणक पई है ऐतकी देख लो साडे कलाकार थोड़े सीरियस होए पए है क्योंकि खाड़े नहीं लग रहे यू एग्री ब्रदर व्हाट आई एम सेइंग तुसी पहला मरोंगे क्योंकि जेडे आलू आंदे आ ओह भी उत्थे ही आंदे है बाहरले मुल्क वाले भैन भरा साडे आए नहीं हुण इत्थों केड़ा मातल पावे साडे अकाउंट च 6 लख जिन्हें भी कदम चल के आए हो ना सब तो पहला तो हमेशा की तरह ही साड़ियाँ मावा और भैन मेरिया और बहुत सत्कारयोग साडे बुजुर्ग साहबान और मेरे सारे वीर ये दोस्त मित्र सारे छोटे बच्चे और इतों का मीडिया सारा तुहाडे सारे अगे सिर झुकदा है आदर प्रणाम तुहानू सारयां नू हुण तुसीं मैनू लाउण नू की आख्या सी देखो जी कहते संघर्ष के संबंध च आप लाने गीत लाने पहला पैक ठीक मेरे नाल नाल गायो बाकी अज मैं बेशक कह सकता है अज का जो समागम है सभा है ये 26 तरीक की अनाउंसमेंट है ये 26 तरीक की अनाउंसमेंट है हसदे चेहरे नूं देख के मैं ये कह सकता है कि चढ़ती कला ना चलांगे सारे बहुत चढ़ती कला नाल उस सच्चे पातशाह नूं जिहदे असीं धीआं पुत्त हैं उहनूं हाजर नाजर जाण के चलांगे सारे अगे जो पावे करतार साडियां नीयतां सिद्धियां जे साडे च एका हैगा जे असीं सच्चियों ये सोच के ना चलीए कि आ सिख चलिया आ हिंदू चलिया आ मुसलमान चलिया जे कहीए कि किसान चलिया रब दा बंदा चलिया आपदे हक लैण चलिया तो मैं लगता है इस तों स्वाद वाली गल होर कोई नहीं छब्बी नूं असीं इही नीयत लैके चलना है भावें कोई पेंडू आ ते भावें कोई शहरी है बस आपदे हक्कां लई चलने आ साडे बापू पंजाब सिंह लई चलने आ तो पहला आपां लाउणे मेरे नाल गायो कोई खंडे तिखे कोई कृपाण करूगा कोई खंडे तिखे कोई कृपाण करूगा तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूगा कोई खंडे तिखे कोई कृपाण करूगा तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूगा तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान करूगा पर फसलां दे फैसले किसान करूगा गज के और फसलां दे फैसले मैं क्या फसलां दे फैसले इन्ना कत्तियां दे एके चू करोड़ होणगे करोड़ होणगे इन्ना कत्तियां दे एके चू करोड़ होणगे तेरी धौण दे जो मणके मरोड़ होणगे 80 वरे दियां बाबियां तो लैके थापड़ा ओ लैके थापड़ा 80 वरे दियां बाबियां तो लैके थापड़ा तैनू जंग दा ऐलान नौजवान करूगा खुल के मारना ताड़ी बाबा खुल के मारना है आओ तेरा फायदे नालों ज्यादा नुकसान करूगा पर फसलां दे फैसले आओ मैं क्या फसलां दे फैसले हसी हक सच दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे
जे लगता हों ना असी भीख मंगन चलिया मैं नहीं आता सी असी हक मंगन चले सवाद की गल असी हक दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे असी जितांगे ते देग तेग फतेह पड़ांगे असी हक दी लड़ाई हक नाल लड़ांगे असी जितांगे ते देग तेग फतेह पड़ांगे सानू मान वरी राए इतिहास दे उत्ते जेड़े सूबे च बैठ के असी प्रोटेस्ट कर रहे हैं किते होर खड़े होंदे ना कोई भरा मैनूं सवाल पुछदा वी की बनूगा इन्हां बिल्लां नूं लैके दोने पासे दीआं गल्लां हो जाणियां सी भरावा पता नहीं की बनूगा पर जिथे खड़ के सवाल जवाब हो रहे हैं जे सूबे जिहड़ी मिट्टी ते जिहड़ी धरती ते सौ लगे एक कुर्बानियां ना शहीदियां ना भरी पई है इत्थे तां मिट्टी दा कण कण बोलदा है कि असी सामने खड़े हैं इस करके इत्थे चढ़दी कला च रहो चढ़दी कला च छपी नूं चल्लिओ महाराज करे मोर्चा फतेह करके मुड़नगे सारे सानू मान वरी राए इतिहास दे उत्ते इतिहास दे उत्ते सानू मान वरी राए इतिहास दे उत्ते बाकी दुद्ध पानी जंग दा मैदान करूगा तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूगा पर फसलां दे फैसले आमाख्या फसलां दे फैसले ओ मित्रा फसलां दे फैसले किसान करूगा छब्बी तरीक वाली गल है तुहानू सारे विद्वानां ने दस देनी है मैं दो चार गल्लां तुहाडे नाल होर करनियां ओह हमेशा मैं अपनियां स्टेजां ते भी करदा और जदों इदां तुहाडे वर्गे प्यो दादे भैण भरा बैठे हुंदे तां इत्थे भी करनी बणदी है अज जो पंजाब नाल हो रहा ना सब तो पहला तो यह मन के चलो भी आपां ना डिजर्व करदे हां इस चीज नूं आपां इस चीज नूं डिजर्व करदे हां आ जिहड़े बिल साडे लई आ रहे है जा पानी वाले मसले आ रहे हैं जा बाणी वाला भी हम मसला बनया पे जा साडी भाषा वाला मसला असी डिजर्व करते हैं डिजर्व क्यों करते हैं मैं 35 सालों का हो गया 35 सालों च मैं नहीं देखा भी आप कोई चज का काम किया ये माइक मेरा कल्ले दा नहीं है किसी नूं लगता है ना भी आ मुंडा गलत बोलता है आके फट के सवाल करो मैं गठड़ी खोलदा हां असी कहन है ना जकारे है एक गीत च दस लग गए कि लगे है साढ़े उस प्यो दे जिदे असी अंश हाँ असी हिक ठोक के कहने कि तू कहना मैं गुरु गोबिंद सिंह दा है ते गुरु गोबिंद सिंह दा पुत लग्या कि पासे है तीन मंजिली कोठी पाउण च बिजी है गुरु गोबिंद सिंह दा पुत गुरु गोबिंद सिंह दा पुत किथे लग्या वै बहुत वड्डी कार खरीदन च लग्या वै है गुरु गोबिंद सिंह का पुत किथे लग्या वै इहदी कुड़ी दा विआह 50 लाख रुपया लाउणा है मुंडे दा 50 लैणा है गुरु गोबिंद सिंह का पुत लग्या किथे है कहिंदे इहदे फादर साहब चढ़ाई कर गए 100 साल दे सी इह उहनूं वड्डा करन च लग्या विआह वी मैं राजपुरे वाहवा इकट्ठ करना है क्योंकि बजुर्ग 100 साल दे हो के गए हुण गुलाब जामना रसगुल्ले ऐ लंगर च वी मटर पनीर बनाउण च लग्या विआह असी डिजर्व करदे हां असी आपका जलूस हाँ जेड़े बाणी वाले पासे जुड़े हुए है आपके किरत धर्म नाल जुड़े उन्होंने प्रणाम है क्योंकि विनाश भी नहीं है बड़े ऐसे भी है जेड़े जेड़े कुली गुली जुली दे कॉन्सेप्ट नूं समझी बैठे बड़ा दिल ते नहीं लाउंदे पर बहुते मेरे अर्गे सजणो असी बहुत अड्डियां चक चक फाह लिया
ਬਾਲਾ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਟਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਚ ਲੱਗੇ ਵੇ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਗਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਲੂਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਚ ਚਾਰ ਜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਆ ਸੱਤ ਕਮਰੇ ਹੈ ਯਾਰ ਪੰਜਾਂ ਚ ਭੂਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਘਰੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲਾਣੇਦਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਿਆਣਾ ਘਰੇ ਪੰਜ ਜਾਣੇ ਆ ਦੋ ਕਮਰਿਆਂ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਿੰਨ ਪਾ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਲੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਮਰੇ ਦੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਚਾਰ ਕੁ ਵਜੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਾਰ ਪੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਫਰੋਲਣਾ ਮਾਰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਭਗਾਈਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੁੱਤ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਸ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਫਿਰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡਾ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਨੇ ਬਾਬਿਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਵਕਤੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੈਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਾਰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੱਟ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਾਇਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਖੀ ਦੱਸਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਜਣੋ ਕੌਣ ਭੈ ਖਾਊਗਾ ਕੌਣ ਭੈ ਖਾਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਰਦਾਰ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਰਨੈਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਚੋਪਰ ਖੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਆਪਦੇ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 35 ਦਾ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ 22 ਸਾਲ ਵਾਜਿਆਂ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਮਾਈਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਣ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੇ ਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਲਾ ਤੀਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਘਰ ਬਚਿਆ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਥਫਾਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ 4-5 ਬੰਦੇ ਡਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਕਾਨਵੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਾਬੂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਥੋਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿੰਨੂ ਬਾਈ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੱਚ ਬਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਸੋਰੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਜੋ ਕੇ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਆ ਰੰਗ ਰੀਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਆਉਣਾ 4 ਫੋਟੋਆਂ ਜੀਆਂ ਖਿਚਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਉਹ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦੇ ਆਖਣ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਾ ਠੁੱਲੂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਖੜਕਾਈ ਜਾਇਓ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਵਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆ ਜੇ ਬਿੱਲ ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸੰਘ ਤਾਂ ਬਣੇ ਏਦਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਸ ਵਿਧ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ ਪਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ
क्योंकि असी उन्होंने धियां पोता जिन्होंने गोष्ठियां कीतियां ते इंडिविजुअली किसी नूं कुत्ता गप्पी अमली ऐदां दी भाषा नहीं उन्होंने वरती। इस करके वह मैं हर एक स्टेज पर बोलता ना कि उस चीज़ का जरूर ख्याल रखिए आप सारे तहजीब नाल होश ते जोश कलैबरेट करके जिहड़ी जिहड़ी लड़ाई लड़ी जाती है ना उस क्रांति आनी सुभाविक है वो आँदी है सुभाविक है। सो बस इन बेनती है तुहानू सारयां नूं ते बाकी तो बहुत सीनियर बंदे बैठे सारे बोलणगे साडा फिल्म डायरेक्टर बैठा भाई ये भाई शरीक फिल्म वाला गुगू गिल साहब वाला तो बस करा जी कि गीत होर लाया अज मैं अज सा कल ही एक गीत आया वो खिच ला जटा खिच तैयारी तेरा पेचा पै गया सेंटर नाल ते फिर खिचो ना तैयारी हो खिच फिर तैयारी पंजाब हुण ये नहीं कहता भी बंदूकां चक लो नहीं पंजाब तो कहता करी एका करो बस एका करो ते कल्ले कल्ले ख्याल दे विच सच्चे पातशाह नूं हाजर रखो बस मसला सारा वो आप हल करके देणगे बस नीयत तां दिखाना कहिंदा आपदी इक नेकी भरी आ जाओ एक गीत दो चार बोल गाउणा मैं थोड़े नाल ते बाकी फिर आपां सारे बुलारियां नूं सुणदे आं आपां बैठ के ते 26 नूं चलोंगे ना वेखो कितें झुग्गा पड़वा दिओ 26 नूं चलना महाराज बाबू जी कितें इह ना समझ लिओ वी इह जिहड़े पिंड वाले उहनां दा ही मसला है एक गल कन्न खोल के ही सुन लो ये जड़े पिंड वाले आ ना असी तो फिर डिगदे ढेंदे जे चार पांच साल कढ जांगे क्योंकि साडे ड्रामा च कणक पई है तुसी पहला मरोंगे यू एग्री ब्रदर व्हाट आई एम सेइंग तुसी पहला मरोंगे क्योंकि जड़े आलू आउंदे आ वो भी उत्थे ही आउंदे आ चौल भी थोड़ियां दुकानां च उत्थों आउंदे आ आटा भी उतो आ मूंगी बाजरा छोले की है सब उतो ही आता बाबे इस करके भावे कोई साड़ा रिक्शा चलाने वाला भरा है भावे कोई कैंटर चला भावे कोई छोटा दुकानदार है भावे कोई वड्डा दुकानदार है भावे कोई आड़ती है भावे कोई किसान है कोई भी है भावे कोई सरकारी नौकरी करने वाला है भावे कोई पैलस वाला है ऐत की देख लो साडे कलाकार थोड़े सीरियस होए पे है क्योंकि खाड़े नहीं लग रहे बाहरले मुल्क वाले भैन भरा साढ़े आए नहीं हुण इत्थों किहड़ा मातल पावे साढ़े अकाउंट च 6 लख इस करके मसला उलझा वे कितें ना कह लो कि ये एक परौणे की बरात है ये तो बाले परौणे की बरात है तो चढ़ना पैना सानू सारयां नूं सानू सब नूं चढ़ना पैना मालक तंदुरुस्तियां बख्शे तुहानूं सारयां नूं चढ़दी कला होवे ते बाकी जिथों तक असीं जिन्ने जोगे हैगे आ तनो मनो ते तनो असी नाल खड़े हाँ बाबे जिन्ने जोगे है करांगे ते बस लड़ाई है रल मिल के समझदारी नाल लड़ियो आखिरी बोल पढ़दा मैं गीत दे हो वेला आ गया जा किसाना दे सिस्टम दे हलक च फाना हो वेला आ गया जाग किसाना दे सिस्टम दे हलक च फाना खेत तेरे खून नू फिर दे खेत तेरे ए खून नू फिर दे जड़े पद्धर की ते एंटर नार ओ खिचला किरतिया ओ खिचला जटा ओ खिच तैयारी ओ पेचा पै गया सेंटर नार ओ खिचला किरसिया वड के तेरे खेत चो पिपल हिक तेरी ते लाउन नू फिर दे वट ते तू कोई चढ़न नहीं दिता अज वटा तेरिया धोन नू फिर दे पिंड पिंड विचो भरो ट्रालिया पिंड पिंड विचो भरो ट्रालिया ओ गल नहीं बननी कंकर नाल ओ खिच लै करतिया खिचला जटा खिच तैयारी ओए पेचा पै गया सेंटर नाल ओए खिचला करतिया खिचला बाबू मखिया जाऊं जो गया खिच तैयारी ओ सातरिया कालो वे लो सजनो इन्नियां हाजरियां कबूल करियो
ते कुछ भी बोल दिया तो मेरे तो गलत बोलिया गया हो जो ओनू नहीं पाउंदा ओदे लई माफी दा माफी मांगदा ते रब तुहानू चढ़दी कला च रखे जाउंदे रहो आजो 26 नू मिलदे आपां। ताज़ा खबरां ते नवीआं जानकारी भरपूर वीडियोज़ देखण वास्ते सबसक्राइब करो साडा यूट्यूब चैनल सुरखाब टीवी। जेकर तुसीं इस वीडियो नूं फेसबुक उत्ते देख रहे हो तां साडा फेसबुक पेज रहमत टीवी भी लाइक ते फॉलो कर लो।